राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का मनेंद्रगढ़ के एसडीएम की पिटाई वाले मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने बयान में कहा कि महासमुंद के महापौर को नगरपालिका में घुसकर मारपीट कर देता है, लेकिन एफआईआर दूसरी सुबह होती है। इस तरह की घटनाएं सरकार की नाकामी है, जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के संगठन चुनाव के लिए उम्र वाले विषय पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की नकल कर रही है। उदयपुर कांग्रेस में निर्णय हुआ कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका मिले, उसी का प्रभाव है कि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह नया फॉर्मूला पहले से लागू किया है। देखिए, हम लगातार इस सरकार के खिलाफ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, आज भी उठा रहे। एक हमारे महासमुंद के महापौर के साथ कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से नगर पालिका में घुसकर वहां पे मारपीट करता है, उसका एफआईआर 4:30-5 बजे की घटना, एफआईआर सवेरे 4 बजे होती है इस सरकार में। जिस तरह से कल मनेंद्रगढ़ में जो घटनाएं घटी है, ये सीधा सीधा सरकार की नाकामी है, मैं समझता हूं। या फिर प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है, या फिर जनता का सरकार से भरोसा उठ चुका है, इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में घट रही है, इसलिए सरकार से भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है और जनता में आक्रोश है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी नकल कर रहे हैं, फोटोकॉपी कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि उदयपुर संकल्प शिविर में पारित हुआ कि कांग्रेस में 50 साल से नीचे के युवाओं को सभी जगह महत्व मिलेगा, उसी का असर है कहने के दीपक बैज आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप लोग के सामने आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं संगठन का। आज मध्य प्रदेश में देखेंगे, वहां के भी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश में। तो कांग्रेस ने तो ये फार्मूला पहले से ही लागू कर दिया है।